नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रविवार को भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने छावा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने चुनाव कार्यालय का फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया एवं प्रवेश किया। वहीं क्षेत्र के विधायक ने चुनाव प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर चुनाव वाहन को छावा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए रवाना किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जनपद सदस्य तुलसीराम पटेल, जिला भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश सुराना, इछावर नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चुनाव कार्यालय के शुभारंभ पर मौजूद थे। सीहोर से न्यूज 69 के लिए जलील खान की रिपोर्ट। जनता पार्टी कार्यालय यहाँ सब पावर हाउस है, पूरे छावा कैसे का संचालन करेगा, उनके गांव में जाना क्या करना है सारी व्यवस्था यहाँ से होगी। मन से और विजय का संघ यहीं से बन जाएगा, विजय से यहीं से होगी। हमारे कार्यकर्ता का मकान है, ये कार्यालय है और सभी कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नकारात्मक कार्यकर्ता हैं, उनको एक ही मंत्र दिया कि विजय विजय विजय। अभी हाईटेक जो रद्द भी आया उसको भी आप हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? गांव गांव में बताएगा हमारी भारतीय जनता पार्टी को, उसको हरी झंडी दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 3.5 साल में क्या किया और 1.5 साल में कमलनाथ ने क्या किया। सारी योजनाएं, बहना योजना, दादा की योजना, बेटी की योजना, तीरथ की योजना सब बताएंगे, उसको हरी झंडी बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।